गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। तो भाई कल आपने देखा है कितनी बारिश में भीगते भीगते फाइनली हम गुवाहाटी पहुंच चुके थे। वैसे कितना टाइम लगता है शिलोंग से गुवाहाटी का? शिलोंग से गुवाहाटी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा शिलोंग से गुवाहाटी का मतलब। और हमें लगे हम वहां से 3:30 बजे वीडियो अपलोड करके निकले रास्ते से, तब तक तो 20-25 किलोमीटर हो भी गया था ना। 2 घंटे लग जाएगा बाइक में, क्योंकि हाँ वो रास्ता है ना। पर हमें रात लगे भाई लगभग 8 बज गया, अंदाजा लगा लो कितने घंटे लग गए भाई। उसकी वजह यही थी, तो बारिश हो गई, ऊपर से अंधेरा हो गया, तो बारिश अंधेरा होने के कारण से ना आराम आराम से चलना पड़ रहा था। बाकी आपको पता है जो हमारी बाइक है उनके ब्रेक के भी फिर काम ही लगती है ना। टिकलू भाई ने अपनी स्कूटी भी तुड़वा ली है भाई, तो इस चक्कर में आराम आराम से आए तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। बट फाइनली हम पहुंच चुके थे टिकलू भाई के घर गुवाहाटी भाई। वेलकम रात, बहुत थैंक यू सो मच। रात यहाँ पर दोनों भाई आराम से सोए, सुबह आराम से फ्रेश मूड से उठे। मैंने सोचा एक दो दिन यहाँ रुकेंगे, थोड़ा घूमेंगे, ब्रह्मपुत्र के आसपास बैठेंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स करेंगे भाई। बट भाई यहाँ आके भी वही समस्या, बारिश रुक ही नहीं रही भाई। आंटी जी बता रही टिकलू भाई की मम्मी जी भी यहाँ से तीन दिन से चल रही है, चौथा दिन हो गया बारिश रुक नहीं रही, कंटिन्यू चल रही है लगातार। तो भाई समस्या हो गई है, क्या घूमे फिर मैंने सोचा भी ऐसे करते हैं, मैं कल की ट्रेन की टिकट देखता हूँ। तो मैंने अंकुश भाई को बोला है बेगर तत्काल टिकट मिल जाए ना तो कर देना जुगाड़, वो बोला 10:30 बजे कॉल करना। तो अभी उसको 10:30 बजे दोबारा कॉल करूँगा, देखते टिकट मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है। अगर मिली ठीक है, ना मिली तो मैं सुबह जर्नल में चला जाऊंगा। सुबह जर्नल जाती है ट्रेन यहाँ से? हाँ चला जाती, जर्नल तो जाती है ना, जर्नल में चला जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा। क्योंकि बारिश में भाई घूम नहीं पाएंगे, और दूसरी बात है यहाँ बैठ बैठ के क्या करेंगे ना। हाँ, सही है ना, सही है। तो नहीं, बात नहीं है यहाँ पे नहीं, मतलब फिर वो है ना, मैंने घर जाके काम भी निपटानी है ना। हेलो आजा। तो मैंने ना कोई लड़का था, तो मैंने ना घर जाके ना काम भी निपटाने हैं, तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। 2 दिन तो लगेंगे ना? लग जाते हैं। हाँ 2 दिन लग जाएंगे, तो जाके अपना काम कुम निपटाएंगे, फिर उसके बाद अखंड पाठ है वो निपटाएंगे, उसके बाद फिर अपना वापसी की तैयारी करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अंदाजा लगा के ना पहले टिकट बुक कर लूँगा, बट मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि दिवाली के आसपास तो वैसे भी क्राउड ज़्यादा, टिकट मिलेगी नहीं, पहले बुकिंग हो रखी होगी। बट कोई ना कुछ तो करेंगे, नहीं तो जर्नल तो भाई है ही अपना, हम कौन सा वो मतलब ज़्यादा मतलब एसी में बैठने वाले या ऐसे चल जाता, हम अपना चला लेते हैं काम। तो ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पहुँच के, पहली बार आया हूँ, टिकलू भाई की माता जी से मिला, काफ़ी अच्छा लगा भाई। बहुत सारे बातें किया। हाँ बहुत बातें किया भाई बैठ के, सच्ची भाई काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर खुश हुआ क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता है जीतू भाई को, और सामने मिला तो पूरा बहुत इसको काफी बहुत अच्छा लगा भाई, सच्ची बहुत अच्छा नेचर उनका। तो फिलहाल अभी आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ भाई। और भाई कपड़े सूखने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने सोचा था यहाँ के कपड़े सुखाऊंगा, बट धूप ही नहीं निकल रही भाई, तो क्या कपड़े धोएंगे क्या सुखाएंगे। तो बाहर का कुछ आपको माहौल दिखा देते हैं भाई, ये देखो भाई बारिश का कोई नामो निशान नहीं है रुकने का। लो भाई वो देखो सारी बारिश हो जा रही है ना, और कल से चले जा रही लगातार, ऊपर छत के ऊपर टीना के ऊपर टपक टपक होए जा रहा होए जा रहा। गर्मा गर्म बोइनी बरबर के लाया। मम्मी को पता है ना आप चाय ज्यादा पीते हो। अच्छा अच्छा ये चक्कर है, सभी को पता चाय ज्यादा पीता हूँ उपरावा। एक अमूल मक्खन इधर कौन सा चलता है? अमूल का इधर चलता है, अमूल भी। हाँ, ये अमूल हर जगह चलता ना। सही है, अच्छा है। अभी ना 10:58 का टाइम हो चुका, अंकुश भाई ने बोला था मेरे को ना 2-3 मिनट पहले कॉल करके बता देना, अभी कॉल चल रही थी, बोल रहा मैं कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो भाई। तो अभी अंकुश भाई उधर कोशिश कर रहे हैं, और इधर टिकलू भाई टिकलू भाई आटा गूंथ रहे हैं भाई, बोल रहे रोटी खिलाएंगे तेरे को, नहीं तो ये चावल ज्यादा खाती है। हम लोग चावल। अच्छा रोटी मेरे लिए बना रहे हो? ओके ओके बना रहे। तो आंटी जी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है ना, इसलिए टिकलू भाई करते हैं काम थोड़ा थोड़ा। बाकी मैंने बोला भाई आंटी जी की सेवा किया कर, सही है ना, थोड़ा काम किया कर भाई। तो भाई अभी ना अंकुश भाई का कॉल आया दोबारा, काफी कोशिश की बट टिकट नहीं हो पाई भाई, बोला साइट ही नहीं खुली। चलो वो तो अपना कैंसिल हो गया, बट हम सुबह अपना निकल जाएंगे भाई, जर्नल में ही चलेंगे भाई, जो भी होगा कोई चक्कर नहीं, आराम से चलते जाएंगे, और आपको जर्नल ट्रेन की यात्रा भी दिखाएंगे। और ठीक है फिलहाल बारिश अभी तेज है, टिकलू भाई आटा गूंथ के लेके गए उधर, आंटी जी खाना रेडी कर रहे हैं, खाना आता खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं बारिश रुकती है तो थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं, नहीं तो अपने सामान सून की पैकिंग करते हैं, जो सामान यहाँ रखना है वो निकाल के रख देते हैं, जो लेके जाना है
उसको एक अलग बैग में डाल दूंगा छोटे में, ठीक है ना। टिकलू भाई के पास बैग है, वो ले जाऊंगा और आके उसका वापस दे दूंगा, ठीक है ना। टिकलू भाई टिकट नहीं हुई कोई ना, जर्नल में चलेंगे, जल्दी चलने की सोच रहा हूँ, चेक करते हैं ना। एक तो गुवाहाटी से है, ग्यारह बजे ना गुवाहाटी नजदीक पड़ेगा ना, ठीक है चलो देखते हैं कौन सी क्या होता है भाई। तो भाई जब से छाता लिया ना आज यूज में लाया है भाई, ये तो छाता यूज किया ही नहीं है भाई। अभी थोड़ा उधर जा रहे हैं, थोड़ा दूसरे घर में, टिकलू भाई की मम्मी जी के घर में, है ना। मम्मी जी का घर बोलता है, घर एक ही है पर थोड़ा दूर, उधर मतलब इधर एक कमरा इधर है एक कमरा उधर है ना। अभी उधर जा रहे हैं, फिर अभी आपको बाद में आके मिलते हैं भाई। ओ भाई बारिश नहीं रुकेगी, टिकलू भाई नीचे आ जा, छतरी के नीचे आ जा, अभी मिला खड़ी खड़ी के ऐसे है वो गाना, छतरी के नीचे आ जा, क्यों भी बिमला बिमला है पता नहीं, चल जो भी है ठीक है। पानी की वजह से ना मतलब बारिश होती रहती है ना, तो सारा सीला सीला गीला गीला हो रखा है। चलो भाई ये जो टिकलू भाई घर है ना, ये पहाड़ जिस पहाड़ के ऊपर, उसका नाम है नरकासुर। नरकासुर शायद राक्षस था कोई। तो भाई खाना पीना खा ली, तो उसके बाद ना आके वीडियो एडिट कर लीजिए, थोड़ी बहुत रहेगी वो फिनिश करके। अब भी ना वीडियो अपलोड करने के लिए आए थे टिकलू भाई के घर से, मतलब 20 मीटर। हाँ वो सामने किधर, वो वाला मेरा रूम। हाँ वो सामने रूम दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखो जहाँ वो कैनिशी पड़ी है नीचे वाला, इससे ना 20 मीटर ऊपर आके पूरी तेज स्पीड है। सिर्फ चार मिनट लगे वीडियो अपलोड करने में, वीडियो अपनी अपलोड हो चुकी है। अभी चलते हैं वापस रूम पे, इसको लगाते हैं थंबनेल और पब्लिक करके, फिर मैं सोच रहा हूँ बाल कटवाना और दाढ़ी कटवानी है। इसके लिए टिकलू भाई को बोरा दुकान कहाँ है, ये बोरा कितनी दूर है, वो तो पीला बिल्डिंग दिखा दे रहा है। हाँ पर बीच में से तो नज़दीक है, पर जब जाना तेरा किलोमीटर भी 4-5 किलोमीटर जैसा हो जाता है, तो सोच रहा हूँ दाढ़ी दूढ़ी कटवा के जाएंगे, दाढ़ी बाल कटवाएंगे। बट बारिश रुक नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं क्या करें। चलो फिलहाल जाके थंबनेल लगा के वीडियो पब्लिक करते हैं, बाकी फिर बारिश रुकती है थोड़ी बहुत ही तो ठीक है, नहीं रुकती तो फिर भी चलेंगे, ठीक है बारिश में चले जाएंगे। तो भाई अभी सोच रहे हैं बारिश रुके तो हम जाए बाल बुल कटवाने के लिए। तो हाँ जी हाँ जी, आपको देखो ना क्या क्या कॉमेंट आ रहे भाई। अच्छा भाई तुम्हारा हर राइड में यही रोना होता है, राइड पे जाने से पहले तुम्हें नहीं पता होता ये सब। भाई पता होता तो मैं क्यों आता भाई, क्योंकि ये जो प्लान होते हैं ये सडनली बनते हैं अखंड पाठ के, जैसे कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले भाई, अगर पता होता तो। मतलब अभी मेरे को स्ट्रीम में 1 महीना होने वाला है, तो 1 महीने में तो आपको पता ही है घर बार है तो। हाँ और कभी कभी ऐसा भी, तो वही आपकी ट्रिप बहुत बढ़िया चल रही है, जल्दी से घर जाओ, गुड लक। और कोई नई बात नहीं, हर बार आप ऐसे ही करते भाई। हर बार का देखो ऐसी बात है, आज मैं आपके जवाब ही देता हूँ भाई। बात ऐसी, जब हम साउथ की ट्रिप कर रहे थे तो अब मेरे को लगभग 4.5 महीने हो गए थे घर से निकले, और अगर आप सोच रहे भाई 4.5 महीने बाद भी घर पे कोई काम ना आए, तो फिर बेघर तो है नहीं हूँ मैं भाई। घर बार है सब कुछ है भाई, लोग तो भाई 2 दिन घर से बाहर जाते हैं तो उसी दिन शाम को ही वापस लौट जाते हैं, नहीं भी घर काम नहीं चलता। हम तो फिर भी 3-3, 4-4, 5 उससे पहले भी जब मैंने लद्दाख की ट्रिप करी पहली बार की, तब 4.5-5 महीने की, दूसरी बार की फिर 4.5-5 महीने की, जब फिर पहली बार नॉर्थ ईस्ट है तब मैंने 5-6 महीने की ट्रिप करी। तो भाई ऐसा तो होते हैं ना भाई, हर बार पता थोड़ी होता है। और दूसरी बात है घर है, अभी घर पे काम भी होंगे, आना जाना भी लगेगा। अगर सोचूं भी नहीं भाई घर पे काम आएगा तो इसलिए मैं निकलूं ही ना, फिर तो निकल ही नहीं पाऊंगा किसी ट्रिप पे भाई, तो घर से निकलना पड़ता काम है। और वैसे भी ट्रिप छोड़ के नहीं जा रहा भाई, ट्रिप रोक के जा रहा हूं, ठीक है ना, फिर रोक के जा रहा हूं, 1 महीना हो गया लगातार चलता है। दूसरा भी अब अखंड पाठ है तो जाना तो पड़ेगा ना, घर का काम तो करना ही ना, अब घर का काम ये छोड़ नहीं सकते भाई, और साथ में पता खेती खुती का भी थोड़ा वो है इस चक्कर में भाई। तो और कोई भी आया कमेंट, मैंने सोचा आज कमेंट के जवाब ही देते हैं, क्योंकि भाई यार खुद मतलब समझना चाहिए ना, हम मतलब क्या बताएं यार, खुद ही पता है मेरे लिए क्या क्या। आपने अब तक कोई ट्रिप कंप्लेन नहीं, टिकलू का भाई ये काम रहता है भाई। सबसे पहले तो मेरे लिए बोल रहे, तो सुनिए मेरा मम्मी का जो बीमार है, आंटी जी की तबीयत खराब रहती है, आंटी जी बोल भी रहे हैं कि मैं बोलती हूँ भी ना निकला कर, पर ये निकल जाता है। देखो यार आप समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप सभी को घर बार में लोगों से 2-2, 4-4 दिन नहीं बाहर रहा, तो हम तो इतने दिन बाहर रहते हैं, और इतने दिन बाद भी अगर बोलो घर पे काम ना आए तो फिर हम तो बेघर हो गए ना भी, हमारा तो घर है ही नहीं, हम तो बेघर हो गए भाई, या फिर बेघर होना पड़ेगा बिल्कुल ही, फिर तो लगातार चलते रहेंगे। कोई घर को भूल जाते हैं, माँ बाप सभी को भूल जाते हैं,
छोड़ देते हैं, चलते रहते हैं ऐसे। देखो हम कोशिश करते हैं हम जितना ज्यादा ज्यादा दिखा पाए, और फिर जब काम आता है फिर तो घर जाना ही पड़ता है। वैसे दोबारा फिर आगे शुरुआत करते हैं, और वो 4:30 में की थी बता रहा साउथ वाला। और अभी जब अंकुश भाई मैं और अर्श गए थे उधर जम्मू कश्मीर, वो भी जितना हुआ करके आए। वो जो स्पीति रह गया पहली बार जब अंकुश के साथ था तब तो रह गया, भी बब्बू भाई की गाड़ी खराब अब इसको छोड़ के नहीं जा सकते थे। और दूसरी बार फिर जब मैं और मनी जाने वाले थे तब बीमार हो गए भाई, तो आप उसका तो देखो कुछ नहीं कोई सोल्यूशन कर सकता, बीमार हो गए वहाँ आराम नहीं आ रहा था। अब ये तो है नहीं बीमार हूँ और चलता जाऊँ, क्या करे ना। देखो कुछ आगे का कुछ पता नहीं होता, फिलहाल हम कोशिश करते हैं जितना अपनी तरफ से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी लोगों को लगता है भी ये मतलब ट्रिप छोड़ते हैं, ये छोड़ अगर छोड़नी होती तो हम घर से आए क्यों ना। देखो भाई इंसान है, इंसान मतलब घर आए तो काम धंधे तो देखो होंगे ही है ना, तो ऐसी बात है भाई। बाकी आप समझदार हो भाई, बाकी फिर भी जिसने कमेंट करना तो भाई फिर भी आपका मोस्ट वेलकम। हम कुछ किसी को कुछ नहीं बोलेंगे ना, मोस्ट वेलकम है भाई आप सभी का, क्योंकि सभी का मतलब ठीक है, कोई सभी की सोच अलग है। तो किसी ने कमेंट किया तो आज हमने बता दिया भी ऐसा कुछ होता है। अभी वैसे भी मेघालय में अगर मान लो बाई चांस ना भी काम होता तो मेघालय में बारिश में कहाँ घूमते, रुकी नहीं रही, यहाँ नहीं रुक रही मेघालय की। तो आपको पता है जो जो एरिया था जहाँ बारिश कम थी वो घुमा दिया। अब मेन जाना था चिरापुंजी मानसीराम, उधर बारिश नहीं है, चले भी जाते, हमारा प्लान ये नहीं था अभी चले भी जाते, बट घर जाना है तो फिर इस चक्कर में अभी तो जाना पड़ेगा ना। वैसे भी कितना 10-15 दिन की बात है, फिर वापस आ जाएंगे, फिर अपना स्टार्ट कर देंगे, तब तक बारिशें भी रुक जाएंगे मेघालय में, सही है ना। और क्या भाई, तो ऐसी कुछ बातें। अभी देखो घर बार है सब कुछ, इतना इतना टाइम पता थोड़ी, जब नहीं टाइम पहले दो बार गया घर पे काम नहीं आया, तो मैंने 4-4, 5-5 महीने लगाए भी हैं। तो भाई अभी ना बारिश रुक चुकी है, हमने सोचा बारिश रुकने का ना फायदा उठाया जाए, अभी जल्दी से चलते बाल बुल कटा के आते हैं। दूसरा मेरे पास कैश नहीं है भाई, तो कुछ कैश निकलवाना, इतना तो चलती रहेगी यार अगर इस हाँ छाता ले ले, अगर इससे ज्यादा वेट करेंगे ना फिर बारिश नहीं रुकेगी। छाता ले लेते हैं, यहाँ से पैदल जाएंगे बीच बीच में से रास्ता जंगल में से। टिकलू भाई बोले आस पास है, टिकलू कितना दूर है, चलो फिर छुट्टी होगी बच्चों की भाई है, सामने तो है तेरा, सामने भी दूर ही होता है ना भाई, 1 किलोमीटर भी इस पर इसका 2-3 किलोमीटर होता है। चल भाई 5 मिनट ठीक है, मैं 5 मिनट यहाँ रुकता हूँ, देखता हूँ पहुँच पाता हूँ नहीं, ठीक है। तूने 5 मिनट बोला है, किलोमीटर नहीं बोला, ठीक है मैं खड़ा 5 मिनट बाद देखेंगे। यार ये टाइम वाला लॉजिक मेरे को सबसे गलत लगता है, कोई बोल देता 20 मिनट का रास्ता है भाई, 20 मिनट अगर बंदा वहीं रुक करे तो किलोमीटर बताओ ना, अभी इतने किलोमीटर ओके बटके रखी हुई है किसकी है। बारिश के बाद ना सारा रास्ता कीचड़ कीचड़ हो गया भाई, तो यहाँ से ना पगडंडी सी बनी हुई है पक्की, अच्छा रास्ता भी यहाँ पर, पीछे कीचड़ था थोड़ा, पक्की पगडंडी है, यहाँ से चलते हैं सीधा। चलते चलते टिगलू भाई के ऐतिहासिक स्कूल में पहुंच चुके, जहाँ टिगलू भाई ने पढ़ाई की थी 1 से क्लास 4 तक यहाँ पर। हाँ, लेकिन तभी इतना डेवलप नहीं था ये सब कुछ। अच्छा भी अच्छा अंदर वाला था, खाली अंदर का भी थोड़ा सा ये पार्ट था। ओके ओके, अभी अभी तो पूरा, अभी तो मतलब चेंज हो गया थोड़ा ना, टाइम के हिसाब से होता रहता है। तो भाई अभी ना मेन रास्तों पर आ चुके हैं, बस कितना 500 मीटर तो नहीं है ना, 200 मीटर ही है, 200 मीटर नीचे आके ना तो टिकलू भाई का जो भैया है ना बपुन उसकी स्कूटी खड़ी है यहाँ पर, यही ले चलते हैं, थोड़ा दूर पड़ेगा ना सैलून तो इसलिए। चल भाई टिकलू चल चल, जाने दे बस घुमा दे। ओ वाह, होगी स्टार्ट, यहीं से बैठू नीचे बैठू, गिराना ना तेरा कोई पता नहीं है भरावा, लाया भाई रुक जा, पाँव कहाँ रखना। बारिश कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है बस, ज्यादा नहीं है, मतलब छाते लेने की जरूरत भी नहीं है। बढ़िया यार, शांति सी है इन गलियों में तो, नहीं तो गुवाहाटी में तो क्राउड होता है। अभी मेन गलियां आएंगी ना भाई, वो सामने ऊपर दिख रहा है ना ये टीवी टावर है इधर का भाई, तेरे पहाड़ के ऊपर है टिकलू, ये तेरे वाले पहाड़ के ऊपर है नरकासुर। तो भाई मेन मतलब सिटी टाइम में आ चुके हैं, पहले थोड़ा बाहर वाला एरिया है, वो मेन ही है तेरे वाला भी, पहाड़ की वजह से लगता है थोड़ा अलग सा ना, वो पहाड़ होने के कारण ना ऐसा लगता है जैसे मतलब गुजरा गुवाहाटी सिटी से बाहर है। क्या है, अच्छा कौन से वाला था, खुला है, अच्छा ये वाला था, तो भाई बंद है, चलो कोई और ढूंढते हैं भाई। चलो भाई सैलून मिल चुका है,
लो भाई फाइनली दाढ़ी दाढ़ी सेट करवाई है, बाल मैंने करवाए नहीं, बाल अभी ठीक थे। वैसे मैं सोच रहा हूँ भी घर जाके ना एक बार अच्छे तरीके से वहाँ सेट कराऊंगा, क्योंकि मैं ना वहाँ गांव में एक जगह से मतलब बाल कटवाता हूँ, दाढ़ी कटवाता हूँ, मुझे वहीं की पसंद आती है। अब तो दाढ़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही थी ना, तो इस चक्कर में थोड़ी सेटिंग सी करा ली, ठीक है ना। बाकी घर जाके मतलब गाँव में जाके करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल अपना ये काम निपट चुका है, बारिश फिर से आ गई भाई, निकलो भाई, गुवाहाटी बारिश रुकेगी नहीं भाई, मतलब ना। चलो चलते हैं वापस घर पे और अपना सामान सुन, मैंने पता क्या करना है, जो भी सामान लेके जाने, कपड़े कुपड़े लेके जाने, वो टिकलू बैग एक बैग है, पिट्ठू बैग, उसमें डाल के ले जाऊंगा, बाकी सामान यहीं रख के जाऊंगा, जिसकी जरूरत नहीं है भाई, कपड़े कपड़े लेके जाऊंगा बस, सही है ना। सही चलो भाई करना, टिकलू सही लग रहा है, सही है ना। घर जाके अच्छे तरीके से सेटिंग करवाऊंगा, गाँव में अच्छी करता है ना। चल भाई अच्छा। तो भाई अभी ना मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है, काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी थी ना, अब थोड़ा सही से लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है भाई। तो भाई अब भी आए दूसरे रास्ते से, जहाँ दूसरे रास्ते कल इसी रास्ते गए थे ना, हाँ हाँ हाँ। अब देखो भाई टीवी टावर हो रखे थे ऊपर, तो टीवी टावर के चौंच है ना आखिरी वाली। और भाई भी टिकलू भाई बता रहे हैं यहाँ पर लैपट भी है भाई, मैंने पीछे साइन बोर्ड देखा, तो तूने देखा है लैपट यहाँ? हाँ सच्ची, हाँ, छोटा में देखा है, छोटे होते अब तो नहीं है ना, अब नहीं है। अच्छा साइन बोर्ड पुराना लगा है, बीच बीच में निकलता है, अभी हाल फिलहाल में निकला था। ओके ओके। तो भाई पहुँच चुके हैं टिकलू भाई के घर वाले पहाड़ के ऊपर, स्कूटी यहाँ लगा दी है। बपन भाई कैसे हो, कल तो अच्छे से मिले नहीं यार, बड़ा अच्छा लगा मिलके बपन भाई, सच्ची ओह मेरे को भी अच्छा लगा, वीडियो में देखा पहले मैं, कई बार मिलने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। फिलहाल भाई अभी यहाँ से गुवाहाटी का नजारा देखो भाई, वो सारी गुवाहाटी सिटी दिख रही है वो भाई, यहाँ से ना इधर देखो कितने अच्छे लग रहे ना सारे पहाड़ भाई, वाकई यहाँ से भी व्यू अच्छा टेक लो, पहली बार देखा तो ज्यादा कुछ घुमा नहीं सका, गुवाहाटी आया, ये हमारा मोहल्ला का टावर है, सबसे पुरानी बिल्डिंग यही है, यही भूतिया बिल्डिंग है। अच्छा इसके ऊपर से दिखेगा सारा, चल फिर ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको भाई। तो भाई ये वाली बिल्डिंग है सबसे पुरानी इधर की, इसके बिल्कुल टॉप में जाएंगे, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है कोई, यहाँ से व्यू पॉइंट बना रखा है, वाह डायरेक्ट डायरेक्ट है, ऊपर कोई रहता है, सच्ची भाई सारा गुवाहाटी तो यहीं से दिख रहा है, व्यू पॉइंट तो यही है सही सबसे। भाई अभी ना शाम को दोनों भाई इधर मेन मतलब मेन रास्ता यही है ना, सिलीगुड़ी गुवाहाटी वाला, गुवाहाटी टू शिलोंग जीएस रोड है, गुवाहाटी टू शिलोंग रोड है, और बारिश पूरा कम चुका है अभी, हाँ बारिश तो रुक गया है, और रात का कुछ ऐसा नजारा भाई, पूरी चकाचौंध हो रखी है। ओ भाई दुर्गा पूजा के पंडाल है ना आगे था, आगे पीछे हाँ मंदिर था ना वहाँ पर, तो भाई वही पुरानी यादें ताजा हो गई, जब मैं और अंकुश भाई थे ना बाइक ली थी, वही पीछे हेलमेट वाली दुकान मिल गई, जहाँ से कुछ मैंने हेलमेट लिया था, और बाइक की दुकान किधर है वो सामने है, एजेंसी किधर है, हाँ वो सामने भाई, वही आते तो आ जाओगी भाई। चलो भाई मजा आ रहा है यहाँ पर रात को ना घूमने का, इधर ऐसे चलते फिरते जा रहे हैं। अब चेक करो भाई ये सारा दुर्गा पूजा जी का पंडाल बनाया है, मतलब ये तो पूजा नहीं होगा, जब लोग आएगा, अच्छा 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 दुर्गा पूजा फेस्टिवल है ना, मतलब इस चक्कर में ना, इस चक्कर है भैया बाहर ये ऐसे बना रखा सारा, ये धार्मिक सा ना, सही है बढ़िया भाई, इधर UFC जिम वाह नज़ारा, पूरी चकाचौंध हो रखी, मज़ा आ गया टिकलू भाई, माइंड सा रिफ्रेश हो गया इधर आगे। टिकलू भाई के घर के पास जो बिल्डिंग थी ना पुरानी सी, जहाँ ऊपर चढ़ के व्यू दिखाया था, ये वाली नाव टाइप बिल्डिंग दिख रही थी भाई, ये वाली देव बिल्डिंग जैसे नाव होती है ना वैसे बना रखी है भाई। तो भाई देखो अभी थोड़ी देर पहले ना मौसम ठीक था, अभी बारिश होने लग गई, हम ना छाता भी नहीं लेके आए, अभी चलते चलते ना काफी दूर चले गए थे, उधर से बारिश शुरू हो गई, इसलिए हमने ना ये ले लिया, क्या बोलते टमटम बोलते हैं, ई रिक्शा को इधर टमटम बोलते हैं भाई, मच्छर बहुत ज्यादा है, मच्छर खा गए। तो भाई गुवाहाटी घूमने के बाद ना आके ना सामान सारा पैक कर लिया था, बैग में डाले टिकलू भाई वाले में, वो लेके जाना सुबह 12-1 बजे करीब ट्रेन अपनी यहाँ से कमाख्या से, यहाँ गुवाहाटी से नहीं है कमाख्या से है, कमाख्या रेलवे स्टेशन से,
सुबह टिकलू में बोले 9 बजे चलेंगे क्योंकि उधर जाम बहुत मिलता है, स्कूटी पे जाएंगे टाइम लग जाएगा 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम सोचे टाइम से जाएंगे, जर्नल में जाना टिकट लेके ना आराम से ऊपर वाली सीट लेके आराम से बैठ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी लगभग 10 बज चुके, 10:15 के करीब का टाइम हो चुका है। टिकलू भाई भैया के साथ गए हैं भैया को छोड़ने के लिए। एक भैया आपने देखा था जब हम कुछ टाइम पहले आए थे, जब मैं अंकुश अर्श आए थे, जब टिकलू पहली बार हमारे साथ अरुणाचल गया था ना आज से 1.5-2 साल पहले, तो वो वाले भैया आए थे जहाँ पर हमने नीचे कैंपिंग कर रखी थी, वो वाले भैया आए थे मिलने के लिए। उनके साथ बैठे बातें चीतें करी, तो अभी टिकलू भाई उनको छोड़ने गए हैं, उनके साथ गए हैं। तो मैं, मेरे को नींद आने लगी थी, मैंने सोचा वीडियो एंड करके आराम से सोते हैं। तो मच्छर नहीं लगा रखी है, मच्छर वाली कोई टेंशन है नहीं है। बारिश लगातार हो जा रही है, अब भी देखो पूरी बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको टीना टपकने की भाई, मतलब टीना के ऊपर टपक टपक की आवाज़ आ रही होगी। ये देखो इतनी तेज, मतलब बारिश रुक नहीं रही भाई, 4 दिन हो गया, 4th दिन है लगातार चले जा रही है। तो ठीक है भाई, कल हम यहाँ से निकल जाएंगे घर की ओर, परसों 4th, हाँ 2 दिन में पहुँच जाएंगे, 2 दिन तो लगेंगे। उसके बाद जाके आपको घर के हालात दिखाएंगे, दान वगैरह के क्या कुछ है, और अपना जो जो काम निपटाना है, पेंट वगैरह कराना है, वो सारा कुछ काम निपटाएंगे। और उसके बाद फिर अपना जल्दी ही वापस आने का देखेंगे, टिकट ना मैं जल्दी ही बुक कर लूँगा। तो अभी मेरे को थोड़ा लेट पता लगा ना, इसलिए टिकट टाइम से बुक नहीं करवा पाया, इसलिए टिकट मिली नहीं है, मतलब अपने को सीट मिली नहीं है। चलो कोई ना, अभी पहले ही करवा लूँगा, मैं अंदाज़ा लगा लूँगा ना कब वापस आना, जब काम निपट गया ना तभी वापस आ जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते, मिलते कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।